आजकल तो टीवी पे देखो तो हर जगह प्रवचन देते दिखाई देते हैं बाबा अच्छा जिनको टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढते फिर हरियाणा में एक बाबा सुबह से परेशान कोई मिला ही नहीं जिसे प्रवचन दे सके शाम हो गई जी शाम को देखा एक छोटा सा बालक हाथ में दिया जलाए आ रहा है बाबा ने सोचा मिल गया मौका बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहा से आती है बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन लेकिन छोरा हरियाणा का था जी उसने मारी दिया का फूख बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ तो हमें तो प्रवचन भी कोई आसानी से नहीं दे सकता जी ना हम आसानी से लेते तो ये बच्चों की स्थिति है जवानों की और स्थिति भयंकर है वो एक लड़के ने एक लड़की को साइकिल की टक्कर दे मार दी तो लड़की बोली घंटी नहीं मार सके था बोला पूरी साइकिल दे के मार दी घंटी की भी कसर रह रही है तो वो मुझे ध्यान है बस में जब कंडक्टर टिकट काट रहा था तो एक महिला से उसने कहा टिकट ले ले तो महिला बोली तुम इससे बात नहीं कर सकते बहन जी नहीं कह सकते अरे बोले बहन जी टिकट ले ले फिर पास खड़े आदमी से बोला ही तू ही बता दे तू कि जागा <laughs> तो एक बुढ़िया बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे वो ड्राइवर को दे आ गई उसने बोनट पर बिठा लिया थोड़ी देर बाद एक तीस पैंतीस साल की महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार पर वो महिला बैठने को तैयार नहीं तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली अरे बोले बैठ जा बैठ जा कुछ साल बाद बोनट पे बैठना पड़ेगा हमारे <laughs> बुजुर्गों की तो ये हालत है जी हरियाणा का आदमी दरअसल भोला होता है इतना भोला कि कोई जवाब नहीं उसका जैसे आप एक कल्पना कर सकते हो एक ट्रेन शताब्दी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है एक हरियाणा का बूढ़ा बैठा है बराबर में उसके सुंदर सी लड़की बैठी है मान लीजिए बुजुर्ग को नींद आ जाए और उसका सिर महिला के कंधे पर चला जाए तो साहब महिला उठेगी पुलिस को बुला लेगी कंडक्टर से शिकायत करेगी टीटी को बुला लेगी थप्पड़ भी पड़वा सकती है पिटवा भी सकती है <laughs> लेकिन इसी दृश्य को आप बदल दीजिए महिला को नींद आ जाए और महिला का सिर बूढ़े के कंधे पे आ जाए भाई साहब करनाल उतरना होगा चंडीगढ़ तक चला जाए <laughs>